हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल स्पाइस ट्रेजर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत यम्मी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट टू द वीडियो। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। और ये सब मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। अब हम इस पेस्ट में 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर रहे हैं ताकि ये पेस्ट अच्छे से पनीर पे कोट हो जाए। अब ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें वेजीज और पनीर ऐड करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़े प्याज और 2 मीडियम साइज़ कैप्सिकम यूज़ किया है और 200 ग्राम्स पनीर भी ऐड करना है इसमें। मैंने यहाँ पे पनीर को क्यूब्स में कट किया है, आप चाहे तो कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। देखिए, मैंने अच्छे से वो पेस्ट के साथ कोट कर दिया है पनीर और वेजीज को। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें फ्राई करने के लिए तेल लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम इसमें वो पनीर को ऐड कर देंगे और शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है पनीर को, बस शैलो फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे और आगे के ग्रेवी बनाने के प्रोसेस शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही कढ़ाई यूज़ किया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। अब हम उसमें 1 मीडियम साइज्ड प्याज को बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और अच्छे से सौटे करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि ये प्याज जल्दी से पक जाए। नेक्स्ट हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने इसमें 1 लार्ज साइज्ड टोमेटो का पेस्ट ऐड किया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और टमाटर कुक होने तक अच्छे से पकाइए। अब ये पक चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करना है।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये प्याज और मसाले अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है। अगर आपको ग्रेवी इतना गाढ़ा नहीं चाहिए तो आप थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिएगा। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर, कैप्सिकम और प्याज ऐड कर देंगे और अच्छे से स्टर करेंगे उसे। पाँच से सात मिनट बाद देखिए गाइस, ये ग्रेवी अच्छे से थिक हो गया है और एक अच्छा सा कलर आ गया है हमारे करी को। अब ये परफेक्टली बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और हमारा करी रेडी हो गया है। देखिए गाइस, अब मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया है। ये करी सच में बहुत ही टेस्टी, आप रोटी, चावल, फ्राइड राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।